अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, तकलीफ़ों से बचाए, परेशानी से बचाए, आमीन आमीन। ये देखें लहसुन, ये देखें लहसुन को छील कर मैंने इस तरह की बाल्टी मेरे पास थी, ये कैचअप वाली, इसके अंदर डाल लिया। ये एयर टाइट है, फिर इसको अच्छी तरह बंद कर देना है, बंद बाल्टी को बंद करके फ्रीज़र के अंदर रख देना है। मैंने आपको वीडियो में लहसुन छीलने और फ्रीज करने का तरीका बताया है, चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। लहसुन छीलने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आधा किलो मैंने लहसुन ले लिया है, इसको मैंने इस तरह कलियाँ इसकी अलग-अलग कर ली हैं, ये डंडियाँ मैंने अलग-अलग कर ली हैं। मैं आपको बहुत सिंपल और ईजी तरीके से लहसुन छीलने का तरीका बता रही हूँ। ये एक मैंने कपड़े का थैला ले लिया, अगर आपके पास थैला है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी खुले कपड़े में भी लहसुन को बांध कर इसको मसल सकती हैं। ये देखें, इसको थैले के अंदर शामिल कर लेना। ये देखें सारे लहसुन को दो घंटे के लिए आपने पहले धूप में सुखा लेना है। कुछ लोग आटा डालते हैं, मैंने कुछ भी नहीं इसके अंदर डाला, क्योंकि ये अगर हम नमक आटा डालेंगे तो वो जाया हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आसान तरीके से ये लहसुन छीलने का तरीका बता रही हूँ। लहसुन को मैंने के अंदर शामिल कर लिया थैले के अंदर, बस इसको इस तरह अच्छी तरह मसलते रहना है। या इस तरह पटकते रहना है। लहसुन को मैंने इस तरह छज के अंदर निकाल लिया, अब इसको इस तरह करेंगे और जो छिलके हैं वो निकाल देंगे, फिर इसमें से लहसुन निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह लहसुन को इस तरह निकाल लेना, फिर जो रह जाएगा उसको दोबारा बाद में मसल लेना, ताकि सारा लहसुन हमारा काल के दिखाती है। लहसुन के छिलके, ये देखिए लहसुन सारा छील के मैंने निकाल लिया। ये देखिए माशाल्लाह हमारा लहसुन, ये देखें लहसुन को छीलकर मैंने इस तरह की बाल्टी मेरे पास थी, ये कैचअप वाली, इसके अंदर डाल लिया। ये एयर टाइट है, फिर इसको अच्छी तरह बंद कर देना है, बंद करके फ्रिज के अंदर इसको रख देना है। जब आपने इस्तेमाल करना हो थोड़ा सा निकालें और अपने इस्तेमाल में लाएं, और बाकी को फिर फ्रीज़र के अंदर रख दें।